कुंडली भाग्य के दो किरदार राजवीर और शौर्य, ये किरदार निभाने वाले दो कलाकार भले ही ऑन स्क्रीन नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आज ऑफ स्क्रीन मिल ही जाएंगे और दोनों के बीच का जो रिश्ता है दोस्ती वाला, वो देखकर आप भी बोलेंगे कि वाह ये रिश्ता क्या कहलाता है। जो एक दूसरे से अनजान है, अब पर्दे पर ही राजवीर और शौर्य ही भले ही एक दूसरे को अभी जानते समझते नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे तो उनका भाई का रिश्ता ऑलरेडी बन चुका है। दोनों के बीच ही बॉन्डिंग कुछ ऐसी बनी है कि मानो ही जैसे ये पक्के दोस्त हो कई सालों से। 3-4 बार ही मिले ऑन सेट, बट जितने बार भी मिले हैं हम लोग अच्छे से ही मिले और हमारी बॉन्डिंग धीरे धीरे अब स्ट्रॉन्ग हो ही रही है। एब्सोल्युटली, आई रिमेम्बर जब मैं आया था फर्स्ट डे ऑन सेट, Paras was coming out of his vanity and I went to him. I was like, yo bro, you remember हम मिले थे पहले? And he's like, कहाँ? I was like, उसकी बर्थडे पे। Oh yeah man। अब डेली सोप में काम करते करते आपका रिश्ता ना कुछ ऐसा ही बन जाता है। 12-12 घंटे आपको साथ गुजारने होते हैं, तो भला दोस्ती पक्की वाली क्यों ना हो। आई एम गेटिंग टू लर्न सो मच एंड आई एम ग्लैड कि जिस तरीके से हमारी कास्टिंग हुई है, मेरा तो फर्स्ट टाइम था फॉर हिम, इट्स बीन हैपनिंग। आई थिंक दे डिड एन अमेजिंग जॉब गेटिंग पारस एज राजवीर, सना एज पल्की, मी एज शौर्य। बट या, इट्स एन अमेजिंग वाइब ऑन द सेट। द प्रीवियस एक्टर्स जो हमारी पुरानी लीप के जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे श्रद्धा जी हो गई, मेरी मॉम हो गई, अभी जो नहीं आई, मोस्ट ऑफ दीस पीपल हैव आल्सो मेड मी सो कंफर्टेबल। ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि कब से एक दूसरे को जानते हैं। पर्दे के पीछे इनकी दोस्ती के खूब सारे किस्से आपको सुनने मिलेंगे। अब पर्दे पर जब इन्हें पता चलेगा कि ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, पर अभी हम लोग साथ में शूट किया नहीं है, हम लोग अलग अलग सेट ऑफ पीपल के साथ शूट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं शूट कर रहा हूँ श्रद्धा और अंजुम के साथ, बट उन्होंने इतने प्यार से वेलकम किया है, मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मैं उनके साथ पहली बार कोई शूट शूट कर रहा हूँ। डे वन में हम लोगों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई और बहुत ही प्यार से और पॉजिटिविटी से हम लोग शूट करने लगे। सो अच्छा लग रहा है शूट करके और बहुत एक्साइटमेंट है। सो मच मोर टू कम। अब साथ में शूट करेंगे। एग्जैक्टली, हमें अब तक एक साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने का टाइम नहीं मिला है, मौका ही नहीं मिला है। रियली रियली लुकिंग फॉरवर्ड। तब का आलम कैसा होगा ये तो फिलहाल हम अभी आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसको पता लगने में सालों भी लग सकते हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।